નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કક્ષા 6 તો આગળ આપણે પાઠ જે હતો ન્યાય એ પાઠને સમજ્યા અને પાઠ પૂર્ણ પણ કર્યો. હવે એના પ્રશ્નની ચર્ચા કરીશું મિત્રો કે વાઢિક કો કેસે પતા ચલા કે બર્તન મે મોહરે હૈ. બર્તન એટલે કે વાસણ. તો કે ખબર પડી કે બર્તન જે છે એની અંદર મોહરે છે. તો મિત્રો તમને ખ્યાલ જ છે કે એના ઘરે દાવત હતી અને દાવતમાં ઘણા બધા પકવાનો બનાવ્યા જેથી કરીને તેલ ખતમ થઈ ગયું. હવે ખાલી
ભેસ એટલે કે કપડાં ચેન્જ કરી ભેસ એટલે તો ભેસ બદલ કર શહેર મે ઘૂમ રહે થે એક જગ્યા ઉન્હોને કુછ લડકો કો ન્યાયકા ખેલ ખેલતે હુએ દેખા એક દિન ખલીફા ભેસ બદલ કર શહેર મે ઘૂમ રહે થે ઉન્હોને કહે છે એક જગ્યા ઉન્હોને કુછ લડકો કો ન્યાયકા ખેલ ખેલતે હુએ દેખા વે ચીપ કર ઉનકા ખેલ દેખ રહે દેખને લગે જો લડકા ન્યાયલય બના થા उनकी उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत पसंद हमको तो बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली पाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है। सुखे जे कारण के जे असल तो एने न्याय करवाने की पद्धति थी ए खलीफा ने बहुत सरस लागी और एने लागी के अली पाजा ने वाजिद में जो झगड़ो छे एनो निपटारो મિત્રો આ પ્રશ્ન 5 જોઈશું તેલિયોને
તેલ ની ગુણવત્તા થી માંડીને મને બધી ખબર કે તેલ જૂનું કે છે કે નવું છે એની દરેક ની ખ્યાલ હોય છે ને તો તેલિયો કો તેલ કી અચ્છી પરખ થી કોણ સા તેલ કિતને સમય કા હૈ ઇસસે વે આસાની સે બતા સકતે થે સુ કે છે તેલિયો કો તેલ કી અચ્છી પરખ થી કોણ સા તેલ કિતને સમય કા હૈ વો અચ્છી તરહ સે બતા સકતે થે ઉન્હોને ઘડે કે તેલ કો દેખા સુંગા ઓર ચખા और उन्होंने बताया कि घड़े का तेल दो महीने से ज्यादा पुराना नहीं है। इस प्रकार तेल की गंध और श्राद्ध की पहचान कर तेलियों ने घड़े के तेल के बारे में सच्चा निर्णय किया। परिपाटी तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय लिया? तो तेलियों को तेल की अच्छी परख होती है, वो अच्छी तरह से आप आसानी से बता सकते हैं कि तेल कितने समय का है। उन्होंने घड़े के तेल को देखा, सुंदर और चखा और उससे चक्कर बता दिया कि घड़े का तेल 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं है। इस प्रकार तेल की गंध और स्वाद की पहचान कर तेलियों ने सच्चा निर्णय तो बड़े के तेल के बारे में सच्चा निर्णय किया। वह प्रश्न जो हुई के वास्तविकता जानने पर कलिपा ने क्या किया? तो सुदेव मित्रों ज्ञानी सुख बुद्ध की प्रशंसा थे ने ने पुरस्कार आते घना बता तो ये हसन की सूझबूझ से तेल के बारे में वास्तविकता का पता चल गया। सुझे हसन की सूझबूझ से तेल के वास्तविकता तेल के बारे में वास्तविकता का पता चल गया। इससे खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया और इसलिए खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। उन्होंने वाजिद को अली ख्वाजा के मोहरे वापस करने का आदेश दिया। सुखेचे हसन की सूझबूझ तेल के बारे में वास्तविकता का पता चल गया। अली ख्वाजा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। उन्होंने वाजिद को अली ख्वाजा के मोहरे वापस करने का आदेश दिया। इससे साथ ही उन्होंने विश्वासघात के अपराध के लिए वाजिद को सजा सुनाई और खलीफा ने बुद्धिमान हसन को बहुत सा पुरस्कार दिया। तो पहले सुधाई से के वास्तविकता का तो तेल के बारे में हसन की सूझबूझ से तेल के बारे में वास्तविकता का पता चल गया। सुधाई से वास्तविकता का पता चल गया और इससे खलीफा को न्याय मिलने के लिए सबूत मिल गया। उन्होंने वाजिद से अली ख्वाजा के सारे मोहरे वापस दिला दिए, देने के लिए आदेश दिया, हुक्म करे और खलीफा ने विश्वासघात और चोरी करने के लिए वाजिद को सजा सुनाई और वो हसन की सूझबूझ से कैसे बुद्धिमान हसन को बहुत सा पुरस्कार
रहें। कौन भोक रहा था? वह पटा के देख रहा है, देखवानी क्रिया थाई छे। तो वह पटा के देख रहा है तो शू बनशे? वह क्या देख रहा है? रात को कुत्ते भौंक रहे हैं, तो रात में कब भौंक रहे हैं? तो ये जो कब कौन ने तो रात को कुत्ते भौंक रहे हैं तो क्या रे भौंके छे? सॉरी सॉरी, कौन है? कौन है भौंक रहा है तो रात को? कौन भौंक रहा है? तो अगला प्रश्न बन से मित्रों, कौन ने पूछा कि तुम्हारे आ रीते लखो मित्रों, અને તમારે આ પાઠ આખો જે છે છે ત્યાં આખો પૂર્ણ કરો મિત્રો, અને તમારે જોઈ લેવાના પ્રશ્નો જેથી કરીને તમને પરીક્ષામાં પૂછાય તો આવડે। નમસ્કાર।